बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशोज़ की एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल में ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है और ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, से कॉस्ट ऑफ सेल्स की सारी कैलकुलेशन है। इसमें एग्ज़ाम्पल में दिया गया है क्वेश्चन, आर शेल्डन प्रेजेंट्स यू with the trading account set out above, he always calculate his selling price by adding 33 and 1/3% of cost on to the cost price. It means के ये markup है, क्योंकि वो cost में less plus करके add करके 33.33% उसमें करता था, sale price set करता था। अब में इसमें A है requirement, if he has adhered strictly to the statement above, what should be the percentage of gross profit to sales. ab isme gross profit to sales malum karni hai humne uske, aur calculate his actual percentage of gross profit to sales. ek to hai usme statement di gayi hai, uske mutabik hum karenge. a part mein b mein hum uski actual jo hai gross profit to sales calculate karenge, और इसमें जो डिफरेंस होगा इसमें फिर सी पार्ट में दिया गया, गिव टू रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द फिगर्स यू हैव कैलकुलेटेड अबव। इसमें जब दो कैलकुलेटेड फिगर्स कैलकुलेट करेंगे, दो परसेंटेजेस ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, अगर इसमें एक्चुअल और डॉक्यूमेंटेड होंगी, उसमें अगर कोई डिफरेंस हो उसका रीजंस हमने कोई दो रीजंस देंगे। एंड देन है डी पार्ट, हिज सप्लायर्स आर प्रपोजिंग टू इंक्रीज देयर प्राइसेस बाय 5%। उसके सप्लायर्स उसे कह रहे हैं कि 5% प्राइसेस इंक्रीज कर दें, बट आर शेल्डन कंसिडर दैट ही वुड बी अनवाइज टू इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस, कि वो सेलिंग प्राइस अपनी इंक्रीज नहीं करेगा, टू ऑब्टेन सम इम्प्रेशंस ऑफ द इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट इफ़ हिज कॉस्ट शुड बी इंक्रीज बाय 5%। अगर उसने उसमें इंक्रीज कर दी उसने अपनी कॉस्ट, उसकी 5% इंक्रीज हो जाएगी। आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट हिज ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द ग्रॉस प्रॉफिट इफ ही इंक्रीज हैड अप्लाइड फ्रॉम 1 जनवरी 2012। अगर वो ये जो उसके सप्लायर्स उसे कह रहे हैं कि हमने उनकी प्राइस कर देनी है चेंज, प्राइस कॉस्ट उसकी चेंज हो जाएगी, 5% इंक्रीज हो जाएगी, तो कह रहा है कि वो उसमें इंक्रीज अगर 1 जनवरी 2012 से उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। ई यूजिंग द फिगर्स गिव द ट्रेडिंग अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट आर शेल्डन्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। जो उसके एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट था जो फर्स्ट उसमें दिया गया है क्वेश्चन में, उसके मुताबिक इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करनी है हमने। आर शेल्डन्स एक्सप्रेस अमाउंट टू 10% ऑफ सेल्स, उसके अमाउंट 10% अगर ऑफ सेल्स हो, उसके एक्सपेंसेस हों 10% ऑफ सेल्स हो, कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। हमने उसका फिर नेट प्रॉफिट मालूम करना अगर उसके 10% ऑफ सेल्स के ऊपर एक्सपेंसेस, इफ ऑल एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड बट सप्लायर्स ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज देयर प्राइसेस बाय 5%। अगर एक्सपेंसेस सेम रहें लेकिन वो उसके सप्लायर्स चेंज कर दें प्राइसेस को, इंक्रीज कर दें 5% से, एंड इन डी अबव कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, उसमें परसेंटेज रिडक्शन क्या होगी नेट प्रॉफिट में, विच आर शेल्डन्स अकाउंट्स वुड हैव शोन। जो उसमें डी पार्ट में उसने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, अब उसमें रिडक्शन परसेंटेज क्या होगी, आइए हम देखते हैं इसको वन बाय वन सबको। इसमें ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमने टू सेल्स मालूम करनी है। इसमें हम देखेंगे मार्कअप फार्मूला, इसमें मार्कअप दिया गया है 33.33 मींस के 1/3 है जो ग्रॉस प्रॉफिट है, 1/3 है। अब इसको हम मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मार्जिन इज इक्वल टू मार्कअप ओवर 1+ मार्कअप। अब इसमें 1/1+3 आ जाएगा क्योंकि 3 है मार्कअप है और उसमें 1 है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1 जो है हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। 1/1+
थ्री, इसमें 1/4 आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में शिफ्ट करें, 1 को डिवाइड करें 4 पे मल्टीप्लाई 100, तो ये 25% आ जाएगा। और बी में एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स मालूम करेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 14,500 और हमारे पास है 60,000 है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, ये हमारे पास 24.17% आ गया। इट मीन्स के वो 25 था जो हमने वो उसको मार्जिन में शिफ्ट किया जब, तो वो 25 बना, लेकिन इसमें जो है वो एक्चुअली आ रहा है 24.17%। इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, कह लें कि 83.83 का डिफरेंस है। अब इसमें दो रीजंस कह रहा था कि दो रीजंस दें कि इसमें डिफरेंस क्यों है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेड और जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस क्यों है परसेंटेज में। तो इसमें कुछ हो सकता है डिफरेंस, ये हो सकता है कि जो इन्वेंट्री जब हम सेल करते हैं उसमें ये भी होता है वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री भी हो जाता है, जैसे कभी आप वो कोई चीज़ हो केजीज में आप दें तो उसमें कुछ थोड़ा वेस्टेज भी डालते हैं, जैसे उसमें कुछ गिर जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ उसमें आपके जो स्टोर में पड़ा हुआ। और फिर सेल्स ओवरकास्ट या अंडरकास्ट भी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा सेल्स के फिगर्स में भी डिफरेंस आ सकता है, तो ये रीजंस हो सकती हैं इसमें डिफरेंस की। और इसमें फिर डी पार्ट है कि इफ़ सप्लाइज इंक्रीज 5% इट्स प्राइसेस, अगर सप्लायर्स जो है ना वो इंक्रीज करें 5% इट्स इंक्रीज इन इट्स प्राइसेस, और प्राइसेस में 5% का इंक्रीज करें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा फॉर द ईयर एंडेड 1 जनवरी 2012 में क्या होगा, सेल्स 60,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स तो वही रहेंगी, स्टॉक हो जाएगा ऑन 1 जनवरी 2012 में, उसमें परचेजेज ऐड करेंगे, परचेजेज जो है हमने 5% से इंक्रीज़ करनी है इसकी अमाउंट, तो 47,000 था उसमें 5% इंक्रीज़ करेंगे 49,350 बन जाएगा, 49,350 इनको ऐड करेंगे 52,350। और इसमें से लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी हम चूँकि 5% का इंक्रीज़ करेंगे कि जो भी हमने नए के हिसाब से परचेज़ की है न्यू प्राइस के हिसाब से, तो इसमें जब हमने इंक्रीज़ किया 5% तो 4,725 बन गया इंसाइड ऑफ 4,500 से, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 47,625, इसको लेस किया सेल्स में से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 14,500 जो कि न्यू प्राइस के हिसाब से जब 5% इंक्रीज़ होंगी प्राइसेस। अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट है जी हमारे पास ई पार्ट, यूजिंग द फिगर गिवन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में फिगर दी गई है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के शुरू में, कैलकुलेट आर शेल्डन्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, जो उसमें क्वेश्चन में जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया उसके मुताबिक इन्वेंट्री टर्नओवर हमने मालूम करना है। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं CGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री हम मालूम करेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास थी 45,500 ओवर 3,000 प्लस 4,500, इसमें हम करते हैं एवरेज इन्वेंट्री मालूम करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे 45,500 ओवर 3,750 आ जाएगा हमारे पास, इसमें हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12.13 टाइम्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है आर शेल्डन्स एक्सपेंसिव अमाउंट टू 10% ऑफ सेल्स, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 10% ऑफ सेल्स है, कैलकुलेट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। अब हमने इसमें अगर उसके एक्सपेंसेस 10% हो सेल्स ऑफ सेल्स तो हम इसके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट कितना होगा जी, एक्सपेंसेस पहले हम देखेंगे
10% ऑफ सेल्स है, सेल्स हमारे पास है 60,000, तो 10% इसका लिया हमने 6,000 आ गया। और देन हम नेक्स्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास था 14,500 लेस 6,000, तो हमारे पास आ जाएगा 8,500 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट है जी पार्ट, इफ़ ऑल एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज, और एक्सपेंसेस वही रहे जो हमने प्रीवियस कैलकुलेट किए, बट सप्लायर्स ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज देयर प्राइसेस बाय 5%, अगर उनके में सप्लायर जो है ना 5% इंक्रीज़ कर दें एज इन डी, जैसे डी में उन्होंने इंक्रीज़ किया था अबव, कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, जो कि परसेंटेज रिडक्शन होगी, परसेंटेज में कमी आएगी नेट प्रॉफिट के, तो वो कैलकुलेट करनी है। विच आर शेल्डन्स अकाउंट्स वुड हैव शोन, जो कि उसके अकाउंट्स में दिखाई गई है। अब ये अमेंडेड नेट प्रॉफिट क्या होगा जी, जो जिसमें एक्सपेंसेस तो वही रहे 10% ही, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट जो होगा परसेंटेज चेंज होगी प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से। अब अमेंडेड नेट प्रॉफिट क्या था, कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया है 12,375, जो कि मेंडेड फिगर से आया है, मीन्स के इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर भी बढ़ गई है, परचेजेस की भी, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है 6,375, जो कि पहले 8,500 था। अब इसमें रिडक्शन कंपेयर्ड विद एफ, जो कि उसमें किया गया था एफ में 85 को करेंगे, 85 था पहले और बाद में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया 6,375। अब इसमें से फर्स्ट जो पहले वाला नेट प्रॉफिट था 8,500 में से न्यू जो है अब अमेंडेड नेट प्रॉफिट हम लेस कर देंगे, ये इनका डिफरेंस आएगा 2,125। अब परसेंटेज इसकी देखेंगे, अब इसकी परसेंटेज देखने के लिए हम देखेंगे कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, रिडो के रिड्यूस हुई है। अब इसके में देखेंगे 2,125 डिवाइडेड बाय 8,500, अब इसमें कितना डिक्रीज आया है, कितना डिफरेंस आया है, रिडक्शन कितना आया है। तो जब हम इसको प्रीवियस से करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करके परसेंटेज में आएगा, 25% का डिफरेंस आया है, मीन्स 25% रिड्यूस हो गया है प्रॉफिट जो है ना वो, कंपेयर टू उसके प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से।